जिनका भी फर्स्ट अटैम्प में हुआ है नहीं हार्डली रोड फोर फाइव टेस्ट मतलब उससे ज्यादा टाइम ही नहीं था कैसा ही करोगे ना आपको तीन महीने में सब कुछ करना है ऑल अबाउट इंटरलिंकिंग ऑफ़ द अगर आपने सारे जीएस को इंटरलिंक करके एक होलसम सा आंसर नहीं बनाया किसी भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का जीएस में तो फिर वो आंसर आपका वर्थ नहीं है Hello everyone, welcome to the IS Hub and today we have with us Dr. Aditya Sharma who secured All India Rank 70 in the very first attempt. Also, Aditya secured 445 plus marks in GS mains. So, we will see in this video his strategy and also how did he manage to get such good marks in GS mains. And also we have with us MK Self, the founder and CMD of the IS Hub. So, hello Aditya, welcome hello to much. the IS Hub. Hi, Thank you, have you so it. much. Uh, Aditya, before jumping to the UPSC part,

कि ऐसा नहीं है कि टॉपर्स का सिलेक्शन पक्का होता है बट हाँ टॉपर्स का सिलेक्शन जल्दी हो जाता है सो so, उनको वो जो छह अटैम्प्ट है ना वो देने नहीं पड़ते हैं तो ऐसा हो जाता है कभी कि फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाए जैसे तो so, जितने पिछले चार साल से मैं जितना बच्चों के साथ इंटरेक्ट हो रहा हूँ सो so, फर्स्ट ईयर में जो बच्चा था टू जब वन वी स्टार्टेड उस टाइम पे रितिका का सिलेक्शन हुआ था एट द एज ऑफ ट्वेंटी वन तब वो एस से थे उसके बाद सिमीकरण का हुआ वो आई बॉम्बे से थे मृदुल शिवरे का हुआ वो किसी भी आई से नहीं था लेकिन सो so वो उन्होंने एक रेगुलर कॉलेज के साथ में किया था वो अपने बैच का यंगेस्ट था और उन्होंने इंदौर से किया था फिर रवि आदित्य का हुआ है सो एकेडमिक बैकग्राउंड थोड़ा हेल्प करता है मतलब टू स्ट्रेटेजाइज द थिंग्स आप अपनी प्रिपरेशन को ओन करने लग जाते हो सो so आपको पता होता है बट हाँ कि अगर हम थोड़े अकेडमिकली अच्छे बैकग्राउंड से नहीं है उनका सलेक्शन नहीं होगा ये मैं एक्सेप्ट नहीं करता ये गल, ये गड़बड़ा इंटरेस्ट बन गया इट्स प्रोफेशन बट कुछ टाइम बाद मैंने देखा जब उनका मैंने सर्विस प्रोफाइल भी देखा तो आई थॉट आई कैनब्यूट इन मोर ब्रॉड गहरा रीजन so एक और, एक और है जो उन्होंने नहीं बताया सो so उनकी सिस्टर की ऑल इंडिया रैंक वन आई थी एम्स के अंदर know, sir, so, लगा उनसे ज्यादा मैं क्या ही कर लूंगा <laughs> <laughs> <so> मुझे <laughs> <laughs>

तो वो आई थिंक दैट शुड नॉट बी द ग्राउंड फॉर यू कमिंग इन टू प्रिपेयरिंग फॉर यू कि यार बहुत पावर है ये है ये सब वो कभी एक्चुअली मेरे मन में आई भी नहीं थी अगर कोई आज भी मेरे से पूछता है तो मैं बड़ा नॉर्मल सा सेटिस्फाइड हूँ कि हाँ आई विल ट्राई टू सर्व माई बेस्ट तो अगर मॉनिटरी रेम्यूनरेशन की बात है तो तो वो मेडिकल फील्ड में भी ठीक ठाक है सो इट हैज़ नेवर बीन अबाउट मनी इट हैज़ ऑलवेज बीन अबाउट कि मैं कितने ज़्यादा एरियाज़ में सर्व कर सकता हूँ एट वन पर्टिकुलर टाइम बिकॉज मेरे से मोनाटनी

क्योंकि हमारा काफी तरह से साइटल से प्रेशर होता है कि यार प्री भी नहीं निकला सो आई थिंक इट इज़ ओनली नेचुरल फॉर सम्मान कि पहले अच्छे से प्री की तैयारी कर ली और फिर मेंस की करी एंड आई थिंक प्री और मेंस कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड ही है प्री की नॉलेज ऐसे तो नहीं है मेंस मीनस वेस्ट हो जाएगी ऑल आई वुड नॉट रिकमेंड एनी बडी आंसर राइटिंग बिल्कुल ही बस प्री के बाद ही स्टार्ट करनी है पहली बार बट आई वॉज शॉर्ट ऑफ टाइम तो मैंने किया था सो सोफॉर्चुनेटली इट आउट फॉर मी ऐसा और... ऐसा होता है सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ कि जो फर्स्ट अटैम्प्ट के बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग नहीं कर पाते हैं आपके सीनियर बच्चे में अगर मैं कहूँ जिनका भी फर्स्ट अटैम्प में हुआ है दे हार्डली रोड फोर फाइव टेस्ट मतलब उससे ज्यादा टाइम ही नहीं था कैसे ही करोगे ना आपको तीन महीने में सब कुछ करना है आपको छोटे छोटे नोट्स भी बनाने हैं आपको रिवाइज भी करना है आपको टेस्ट भी लिखना है आपको मार्क्स भी बढ़ाने हैं उसके अंदर तो ऐसा ऐसा मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में जो बच्चा पास होता है वो एनालाइज जरूर करता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे पक्का उनके मॉडल आंसर्स भी देखे होंगे आपने स्ट्रक्चर जरूर बनाया होगा कि अगर ये क्वेश्चन एनकाउंटर होगा तो मैं क्या आंसर दूंगा

तो साथ साथ फिर मैं देख रहा था तो मुझे पता चला है कि एक इन आंसर इज़ वन जिसके अंदर आपके पास एक डायग्राम हो एक फ्लो चार्ट हो कोई मैप हो कोई ग्राफ हो है ना फैक्ट्स एंड फिगर्स इंट्रो में हो कंक्लूजन में हो है ना आपके पास थोड़े बहुत फॉर्डर पॉइंट्स हो के स्टडीज़ हो तो आई थिंक दैट इज़ वॉट ऑल अन इन रिच आंसर इज़ अबाउट थोड़ा बहुत आपका ये ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक जी एस थ्री में यूज़ होएगा ऐसा मटीरियल या टू में भी आप यू यूज़ योर क्रिएटिविटी यूज़ इट इन जी एस वन यूज़ इट इन जी एस फोर यूज़ इट इन एस से जहाँ पर भी, भी यूज़ कर सकते हो करो

मेरे पास कोई टेंजेबल सोर्स नहीं था हमें ऑनलाइन अलग अलग से टॉपर्स की कॉपीज ढूंढनी पड़ती थी एंड देन हमें पता नहीं था कि उन्होंने वो आंसर किसनी उससे लिखा है कि इज़ इट देयर बेस्ट इज इट देयर वर्स्ट कि क्या है उसकी असेसमेंट भी नहीं है कुछ नहीं पता हमें सो so, वो काफ़ी इशू आता था उस टाइम पे तो अब मैं जब सिलेक्शन भी हुआ तो लॉट ऑफ कैंडिडेट्स वर आस्किंग कि यार आप अपने सोल्ड आंसर्स कहीं पे दे दो सोल्ड आंसर्स कहीं पे दे दो सो हियर आई वाज प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म तो मैंने अपने खुद हैंड रिटन आंसर्स लिखे हैं इसमें

ये सब तो इन्होंने सिर्फ जीएस थ्री में बता दिया <laughs> ये सारे जीएस थ्री के रिपीटेटिव थीम्स है वैसे ही जीएसटू में है जीएस वन में है सब कुछ सो रिपीटेटिव थीम्स में अगर आपको अच्छा कंटेंट मिल जाए कि अगर एक क्वेश्चन है साइबर सिक्योरिटी आप टैकल कैसे करोगे कौन कौन से माइक्रो माइक्रोडाइग्राम्स बना सकते हो कैसे की वर्ड्स बना सकते हो ये सारा गेम वन फिफ्टी वर्ड्स का है और वन फिफ्टी डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट पच्चीस मार्क्स पच्चीस वर्ड्स का इंट्रोडक्शन पच्चीस मार्क्स का कंक्लूजन सो so, मतलब हम खेल सिर्फ उस हंड्रेड वर्ड्स के लिए रहे हैं

तो तभी आप सेकंड पॉइंट कर पाओगे वो है फ्लेक्सिबिलिटी क्योंकि किसी दिन होता है हम नहीं पढ़ पाते कुछ इवेंट होता है कहीं पढ़ाई होती है एग्जाम होता है तो नेक्स्ट डे पे ट्राई करो मेकअप करने का वीकेंड पे ट्राई करो मेकअप करने का आज जैसे अब हमारी नाइट ड्यूटीज़ होती हैं कभी तो मुझे पता है कि रात का जो टू से फोर का टाइम है उसमें पेशेंट रश कम होता है तो उस टाइम आई यूज टू गो टू द डी डी आर वहाँ पर जाकर मैं पढ़ाई करता था तो जब मौका मिले पढ़ रहा हूँ ऐसा नहीं है कि डेली मेरे को पाँच से छः घंटे पढ़ना ही है किसी दिन आठ पढ़ लिए किसी दिन दो पढ़ लिए किसी दिन नहीं पढ़ पाए तो जस्ट कीप योर प्रिपरेशन फ्लेक्सिबल

तो इसमें इतनी सब्सटैशियल अमाउंट ऑफ आपकी वैल्यू एडिशन हो जाएगी विच विल बी यूजफुल अपार्ट फ्रॉम दैट अपना ऑप्शनल जो है कंपाइल करना शुरू कर दो क्योंकि मे बी इस साल शायद ऑप्शनल में छुट्टी ना हो यू नेवर नो स्कड्यूल यू सी का और उस टाइम पर रिवाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है तो वो कंपाइलेशन स्टार्ट करनी चाहिए है ना एंड गिव इट योर ऑल ऐसे क्योंकि मेन्स लिखने का मौका हो सकता है बार बार ना मिले तो आई थिंक दिस इज द टाइम यू शुड यूटिलाइज वेल एंड जस्ट है ना गो ऑल आउट जिनका नहीं हुआ है आई स्टिल बिलीव दिस इज द टाइम टू प्रिपेयर फॉर मेन्स क्योंकि हमें प्री का जो एक्चुअल तैयारी दोबारा से अब पिक करनी है वो होगी फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स सो इस टाइम पे यू कैन डू योर एथिक्स डू योर ऑप्शनल यू कैन डू योर आंसर राइटिंग थोड़ा थोड़ा तीनों चीजों को साथ साथ में चलाओ नवंबर के बाद आप चाहे थोड़े आंसर राइटिंग के टेस्ट दे दो और जनवरी से फुल ऑन प्री पे शिफ्ट हो जाओ आई अप्रोच अभी Thank you.